दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ के जाने के बाद से शहनाज गिल गहरे सदमे से गुजर रही हैं और डिप्रेशन का शिकार भी हो गई हैं। जी हाँ, शहनाज गिल का पूरा परिवार सिद्धार्थ शुक्ला की रस्म क्रिया पर पंजाब से मुंबई पहुंच चुका है। और पहले ऐसा लगता था कि जब शहनाज के मम्मी पापा शहनाज के पास पहुँच जाएंगे तो वो सिद्धार्थ के जाने के सदमे से अपनी बेटी को उबार लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, लगता है शहनाज को किसी फिजिकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है जो उनके दिल से इस गहरे सदमे को निकाल पाए, क्योंकि शहनाज के मम्मी पापा भी शहनाज के दिल से सिद्धार्थ के याद को भुला नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें, शहनाज की मम्मी भी शहनाज की ही तरह एक इमोशनल इंसान है और बेटी का दुख देखकर वो भी शहनाज के साथ रो पड़ती हैं। सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए घर में स्पेशल पूजा रखी गई थी, जिसमें सिद्धार्थ के परिवार के साथ साथ शहनाज के परिवार ने भी हिस्सा लिया था। आपको बता दें, ब्रह्म कुमारीज ने यहाँ पर शांति पाठ स्पेशल पूजा की, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए साथ साथ हृदय से दुख का जाना भी जरूरी है, जो कि शहनाज के हृदय से सिद्धार्थ के जाने का सदमा नहीं निकल रहा है। जब से शहनाज की माता पंजाब से मुंबई आई हैं और वो साये की तरह शहनाज के साथ रहती हैं और उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखती हैं। आपको बता दें, भावुक पलों में शहनाज को स्ट्रांग रखने की उनकी माता पूरी कोशिश भी करती हैं और उन्हें टूटने नहीं देती। दोस्तों, शहनाज कुछ पल के उपरांत भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी माता से भी कहती हैं और सबसे भावुक अपील करते हुए कहती हैं, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे मेरा सिद्धार्थ लौटा दो। इस पर पूरा माहौल और गमगीन हो जाता है। ये सब वृतांत हमें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्ट्रेस ने बताए, जो कि इस स्पेशल पूजा के उपरांत सिद्धार्थ शुक्ला परिवार से सिद्धार्थ के जाने का अफसोस करने गई थी। उन्होंने वहाँ के माहौल का जो विवरण प्रस्तुत किया दोस्तों, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके अनुसार वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा गमगीन अवस्था में शहनाज लगी। रीटा माँ सबसे स्ट्रांग महिला लगी, जो हर जाने आने वाले इंसान को अटेंड कर रही थी। उन्होंने तो खुद को अच्छे से संभाल लिया है और पूरी नारी जाति के आगे एक मिसाल पेश की है कि बड़े से बड़े दुख भी आए तो इंसान को कैसे जीना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से स्थितियों को हैंडल किया है, वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री के अनुसार वो 30 मिनट तक सिद्धार्थ के घर रुके और उस आधे घंटे में कम से कम 10 बार शहनाज ने सिद्धार्थ का नाम लिया। तो दोस्तों, इस समय शहनाज का सदमे से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शहनाज जल्द ही इस सदमे से बाहर आ पाएंगी या अभी उन्हें वक्त लगेगा? साथ ही ये भी ज़रूर शेयर करें अपनी राय कि शहनाज गिल सिद्धार्थ की रस्म क्रिया के बाद मुंबई में ही रहेंगे या वापस अपने माँ बाप के साथ पंजाब वापस लौट जाएंगे। कृपया जो भी आपके विचार हों, जो भी आपके थॉट हों, ज़रूर लिखकर बताइएगा, या शहनाज के लिए जो भी आपके सजेशंस हो, ज़रूर अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही साथ हर लेटेस्ट खबर के लिए दोस्तों, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ वाला बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। मुझे कहता है एक दिन फोन करके, जर्नी कैसे देखते? और सना के साथ होते हैं, आई वुड बी बेटर। शादी करो या मत करो, लेकिन बस आप लाइफ टाइम साथ रहो। तो साथ में तो है ही ना। ओके, अच्छी नहीं लग रही मतलब। ठीक है, शहनाज सिद्धार्थ की सिगरेट पीने वाली एक्टिंग कर दो, बट अब ये सिगरेट छोड़ती है। सच है ना?
सिगरेट फिरे वाले। चल ना बस कर, तेरी वाली बता, तेरी वाली बता, जैसे तू पीती क्या पीते जो तू सिगरेट पीते तो बस पीती। मैं कब पी बता दे, कितने बार कब पी बता, जब जब तू, चल बता, जब जब तू दारू पी के टल्ली हो जाती है तो तू सिगरेट पीती है। कब पीती कब मिला तू मेरे को कब इकट्ठे दारू पी तू मेरे से, इकट्ठे तो पी है कब, इकट्ठे तो पी है कब, डेट बता, डेट तो मेरे को है, वैसे तो डेट्स तो ना याद है तुम्हें, पता सिगरेट कब पी मैंने उसी पे, यार सिगरेट प्रमोट कर रहे तो तू कर ना, तो गंदा मैसेज दे रहा है, तू कर ना यंगस्टर्स को, तो एग्जैक्टली तो तू नहीं कर रही, फैमिलीज भी देख रही हो तो फिर एग्जैक्टली तो तू ये सब क्यों कर रही, तो तेरे को तो बिग बॉस में देखा हूं मैंने, मैं तो छुप के करता बंदर, तुमने उसका बाहर सबके सामने किया है, छुप के करो वो तुमने सबके सामने बाहर किया है यहां ही कर, और अब तुम वापस से कर रही हो, क्या कर रही सबके सामने, तो उन्होंने उनको पसंद है ना तेरी सिगरेट पीना, उनको मेरी सिगरेट पीने, उनको तुम्हारा एक्टिंग करना पसंद है, तो एक्टिंग इज एक्टिंग, तो तू एक्टर है, तुझे इतना तो कंट्रोल रखना चाहिए, तेरी एक्टिंग कर, मैं बोला तू अपना स्टाइल ही बता ना, तेरा स्टाइल में तू अपने स्टाइल, मेरा स्टाइल ही नहीं है, मेरा कोई स्टाइल नहीं, चल छोड़ कोई ना, लड़ो लड़ो मजा आ रहा है कहते लड़ो मजा आ रहा है, ओ यार आपस में बाद में बात कर लेना, अच्छा ठीक है तुमसे बात कर लेना, अच्छा तो आप तो बात करो, तो नहीं शहनाज जी प्लीज एक सॉन्ग गा लीजिए, शहनाज जी प्लीज गाइए, ओ माय गॉड, अरे रीटा आंटी कहाँ है, रीटा आंटी अपने घर पे आएंगे भी, ओ लड़ो, ओए चाय पिला चल मुझे, ओए चल चल चाय बना के ला, उठ इस घर का जाते मैं हूँ, तेरे घर आएगा तो चाय नहीं बनाएगा मुझे, तो नहीं पीना अभी, क्या पीना तुम्हें चाय, नहीं अभी पीना है मुझे चाय, तो चाय नहीं पिलाएगा ना, इस बार मैं बना के पिलाऊंगी तुझे, हाँ हाँ नहीं चाय, सच बता ना, क्या तू चाय नहीं ना पिलाएगा मुझे, पिला